नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक खुशबू से भरा फूलों का पेड़ लेकर आया हूं, पौधा लेकर आया हूं। दोस्तों, इस पेड़ को, इस पौधे को बेला के नाम से जाना जाता है और इसे अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है। इसे कोई मोगरा भी कहता है, देवलता भी कहते हैं, गंध राजा भी कहते हैं, गौरी कहते हैं, कौशिक कहते हैं, वन मल्लिका कहते हैं और इसके सफेद सफेद फूल होने के नाते इसे गुले सफेदी भी कहते हैं और मोतियां भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से दुनिया में जितने भाषाएं उतने सारे इस बेला फूल के नाम। दोस्तों, इस बेला फूल के खुशबू बड़ा ही जबरदस्त होता है और इसके खुशबू के कारण इस दुनिया में इसका बहुत डिमांड है, मांग है। ज्यादा करके इसके फूलों का हार बनाया जाता है, शादी ब्याह में लोगों को पहनाया जाता है। ऐसे तो इस बेला के फूलों को पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह पौधा एक लतादार होता है लेकिन काफी दूर तक नहीं फैलता है, मीडियम क्वालिटी का लतादार है। या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह पौधा एक नीम के पेड़ के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसके सफेद सफेद फूल को देख लीजिए, इसके पत्तों को देख लीजिए और इसे ठीक से पहचान लीजिए। और हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में इसे लीली जस्मीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस बेला के फूल का संपूर्ण भारत में खेती भी किया जाता है क्योंकि यह फूल किसानों का एक साधन भी है। तो दोस्तों, जिस तरह से यह फूल खुशबूदार है और सुंदर सुंदर है, उसी तरीके से इसके अंदर आयुर्वेदिक औषधि गुण भी भरे हुए हैं। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो, अब इसके आयुर्वेदिक औषधि फायदों के बारे में जान लें कि यह पौधा हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, हमारे शरीर में होने वाले किन किन बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा है, अगर किसी के सर में दर्द होता हो तो मात्र इसके फूलों को नाक में लगाकर खूब जोर जोर 4-5 बार खींचे तो सर का दर्द उतर जाता है। या फिर बेला का अतर हो, उसे नाकों में लगाकर सूंघे तो भी सर का दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, इस बेला के 15-20 फूलों को लेकर तिल के तेल में पकाकर तेल बनाकर रख लीजिए। अगर आपके सर में दर्द होता हो, माथे में दर्द होता हो, तो आप नाक के नथुनों में 1 या 2 बूंद डालिए तो आपके मस्तिष्क पीड़ा ठीक हो जाएंगे। या फिर इसके फूलों को आप डायरेक्ट पीसकर भी मस्तिष्क पे लेप कर सकते हैं तो भी सर का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह नेत्र विकार यानी आंखों की बीमारी में भी काफी फायदेमंद माना जाता है। बेला के फूलों को पीसकर चटनी बनाकर आंखों के ऊपर छोपे, पलकों को बंद करके और रात भर छोपे रहने दे, रात को सो जाएं तो आंखों की समस्त बीमारी ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, इस बेला के फूल का रस निकाल लीजिए 4-5 बूंद और उसमें फिटकरी का रस मिला लीजिए 1 या 2 बूंद और फिर दोनों को घोट कर मिलाकर आंखों में काजल की तरह आप लगाइए तो आंखों का लालिमा दूर होगा, आंखों का जलन दूर होगा। और अगर किसी का आंख आया हो, आंखों से कीचड़ निकलता हो, तो वह आंखों का आना भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस बेला फूल को पीसकर इसका रस निकालकर आंखों के चारों तरफ बाहर बाहर से लगाने से भी आंखों का शोध यानी आंखों का सूजन ठीक होता है। दोस्तों, इस बेला के पत्र यानी इसके पत्तों को पानी में पकाकर आप आंख को धो सकते हैं, आपको आंखों की बीमारी में फायदा होगा। दोस्तों, यह बेला के फूल का रस कान दर्द को भी दूर करने का काम करता है। बस आपको क्या करना है, करीबन 5-6 फूल ले लीजिए और उसे तिल के तेल में पका लीजिए और ठंडा होने के बाद कान के अंदर आप 2 या 3 बूंद डालिए तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस बेला के छाल और कत्था का पाउडर मिलाकर काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। या फिर अकेला आप बेला के पत्तों को पीसकर पानी में डालकर पकाकर कुल्ली करते हैं, गरारा करते हैं तो मुंह के अंदर छाले जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। प्लस अगर दांतों से खून मवाद निकल रहे हैं, दांतों का रोग पैरिया है, तो उसमें भी फायदेमंद साबित होता है।
दोस्तों इस बेला के डंठलों की छाल निकालकर काढ़ा बनाकर 10 एमएल से लेकर 15 एमएल तक पीने से श्वास रोग में फायदा होता है, यानी श्वास नालिका का सूजन दूर होता है। दोस्तों रक्त अतिसार यानी पेचिस, खूनी पेचिस रोग में भी बेला के पत्तों को पीस कर, ज्यादा नहीं, 2 या 4 कोमल कोमल पत्तों को पीस कर उसका रस निकाल लीजिए। उस रस में मिश्री मिलाकर सेवन कीजिए 10 एमएल से लेकर 30 एमएल तक, तो पेचिस रोग यानी रक्त अतिसार रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों मासिक विकार, मासिक धर्म के गड़बड़ी में भी आप बेला के छाल का काढ़ा बनाकर 10 एमएल से लेकर 20 एमएल दिन में 2 या 3 बार पीने से मासिक विकार में फायदा पहुंचता है, यानी मासिक धर्म के गड़बड़ी में फायदेमंद है। दोस्तों अगर किसी स्त्री के स्तन में सूजन है तो आप बेला पत्र को पीस कर पेस्ट बनाकर स्तन के ऊपर लेप करें तो सूजन में फायदेमंद होगा, सूजन उतर जाएगा। आप इस बेला के पत्तों को पीस कर चोट मोच में भी लगा सकते हैं, इसके ठंडेपन के वजह से दर्द गायब हो जाएगा और सूजन भी दूर होगा। दोस्तों इस बेला के पुष्पों यानी फूलों का काढ़ा बनाकर पित्त उन्माद में पिलाने से पित्त उन्माद शांत होता है। इस तरह से यह बेला का फूल एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है। जो लोग इसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं तो वह लोग मात्र इसे एक खुशबूदार फूल का पौधा समझते हैं, लेकिन जो लोग इसके आयुर्वेदिक औषधि गुणों के बारे में जानते हैं तो वह लोग इसे जड़ी बूटी समझते हैं, आयुर्वेदिक औषधि समझते हैं। तो चलो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।